आज के बदलते समय में इंसान भले ही कितना भी खुदगर्ज हो जाए, इंसान किसी की मदद से पहले भले ही अपने बारे में पहले सोचने लगे, मगर आज एक बेजुबान कुत्ते ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि इंसानों को अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। एक कुत्ते ने मां से बिछड़े नवजात बंदर को पीठ पर बिठाकर थाने पहुंचाया। उस बंदर के लिए थाने से ज्यादा महफूज जगह उस कुत्ते को कोई भी नजर नहीं आई। किसी को हो ना हो, मगर इस कुत्ते को पुलिस पर पूरा भरोसा है। शायद इसीलिए इस नवजात बंदर को इस कुत्ते ने थाने पहुंचाया है। आपको बता दें कि सागर जिले के रहली में जब एक नवजात बंदर अपनी माँ से बिछड़ा तो कुत्ते ने उसे सहारा दिया। कहते हैं कि मदद का कोई चेहरा नहीं होता, मगर इस तस्वीर ने बता दिया कि मदद की शक्ल बहुत ही खूबसूरत होती है। नवजात बंदर अपनी माँ से बिछड़ गया तो फिर कुत्ते के बच्चे ने उसको सहारा दिया। कई घंटों दोनों खेलते रहे, फिर इस मासूम बंदर को कोई नुकसान न पहुंच जाए, मानो ऐसा सोचकर यह नन्हा कुत्ता उस मासूम बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर खाकी के दरबार यानी पुलिस थाने पहुंच गया। आम तौर पर बंदर का जानी दुश्मन होता है कुत्ता, लेकिन आज इसी कुत्ते का इस बंदर के प्रति लगाव कुदरत के नियमों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। इस गजब की दोस्ती देखकर बिल्हे चौकी के प्रभारी अवधेश दुबे का भी मन भराया। उन्होंने जवानों से कहकर भूखे बंदर को केले खिलवाए। तब तक अपने दोस्त को अंदर देख कुत्ता भी बाहर खड़ा रहा। चौकी प्रभारी ने इस बंदर को फॉरेस्ट को सौंपा और फॉरेस्ट विभाग से कहा कि वह कोशिश करें कि इस मासूम बंदर को उसकी मां मिल जाए। बहरहाल छोटी सी जान कुत्ते के बच्चे ने एक मासूम बंदर की मदद करके एक बार फिर दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।